रीजन क्या है बाकी कुछ? पहले और पुलिस वालों ने मना किया है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी आ जाएगी ना, हम नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने मना किया है, जाएंगे पुलिस स्टेशन में। कश्मीर फाइल्स की वजह से कश्मीरी युवक को होटल में एंट्री नहीं देने का आरोप, महुआ मोइत्रा ने कही बड़ी बात। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के अन्य लोगों के बराबर अधिकार मिलेंगे। इस बात को 2.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कश्मीरियों की परेशानियां दूर होती नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में ही उन्हें बार बार गैर होने का एहसास दिलाया जा रहा है। मामला दिल्ली के एक होटल का है। बुधवार 23 मार्च को एक कश्मीरी युवक इस होटल में रुकने के लिए पहुंचा। उसने होटल के रिसेप्शन पर मौजूद महिला कर्मचारी को अपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाए, लेकिन इसके बाद भी इस व्यक्ति को होटल में कमरा नहीं दिया गया। इस घटना की वीडियो को जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर खुहामी ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद से ये वायरल है। नासिर ने इस वीडियो में घटना के पीछे का कारण कश्मीर फाइल्स फिल्म को बताया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कश्मीर युवक होटल कर्मचारी से कहता है, मैंने ओयो ऐप से आपके होटल में रूम बुक किया है, अब चेक इन के टाइम आप रूम देने से मना कर रही हो। मेरी जम्मू कश्मीर की आईडी है, मैं आपको आधार दे रहा हूँ, पासपोर्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के है, आप क्यों जम्मू कश्मीर की आईडी स्वीकार नहीं कर रही हो, मुझे कारण तो बताइए। इसके बाद रिसेप्शन पर मौजूद महिला कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति को कॉल करती है और उससे कहती है कि इन्होंने, यानी कश्मीरी व्यक्ति ने ओयो से रूम बुक किया है और कमरा ना देने के पीछे का कारण पूछ रहे हैं। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद होटल कर्मचारी कश्मीरी युवक से कहती है, पुलिस वालों ने मना किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जम्मू कश्मीर की आईडी है तो हम उसे रूम नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर सफाई दी है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर बताया, सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी जम्मू कश्मीर की आईडी के कारण दिल्ली के एक होटल में रूम नहीं दिया जा रहा है। बुकिंग रद्द करने का कारण पुलिस का निर्देश बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ये स्पष्ट करती है कि उसकी ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। एक अन्य ट्वीट में पुलिस ने ये भी बताया कि पीड़ित कश्मीरी व्यक्ति ने YouTube पर एक अन्य वीडियो में बताया है कि उसे दिल्ली के उसी एरिया के दूसरे होटल में रूम मिल गया है। इस घटना को कश्मीर फाइल्स फिल्म से जोड़े जाने को भी दिल्ली पुलिस ने गलत बताया है। पुलिस ने एक अन्य ट्वीट में कहा, कुछ लोग जानबूझकर इस वीडियो को गलत तरीके से पेश करके दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हरकत के लिए इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऑनलाइन होटल प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी ओयो ने भी उससे जुड़े होटल में घटी इस घटना को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। अपने एक बयान में उसने कहा, हम हैरान है कि ऐसा हुआ, हमने तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से इस होटल को हटा दिया। हमारे कमरे और हमारा दिल हमेशा सबके लिए खुला है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम कभी भी समझौता करेंगे। हम निश्चित रूप से जांच करेंगे कि किस वजह से होटल ने रूम देने से मना किया। इस घटना को हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। इस मामले पर बवाल बढ़ने के बाद होटल के मालिक ने भी अपनी सफाई दी है। द लल्लन टॉप में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार 24 मार्च को होटल के मालिक राकेश कुमार ने ANI को बताया, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, इसे गलत तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है। ये गेस्ट जम्मू कश्मीर से आए थे, मेरे होटल में केवल एक रूम खाली था, उसका भी AC खराब हो गया था। गेस्ट ने वो रूम लेने से मना कर दिया और होटल की महिला मैनेजर से अभद्र भाषा में बातें करने लगे, इसलिए मैडम परेशान हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने गेस्ट की आईडी की फोटोकॉपी भी कर रखी है। हम हमेशा से कश्मीरी भाइयों को कमरा देते हैं, इनके जरिए हमारा बिजनेस चलता है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर की आईडी पर रूम नहीं देते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार इस घटना को कश्मीर फाइल्स फिल्म से जोड़कर देख रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने आरोप लगाते हुए कहा, विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के जरिए जो समाज में विष घोला है उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने कहा, इस महिला पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान या बाद में भड़काऊ भाषण दिया जाना भी आपराधिक कृत्य है, भाषण देने वाला और सिनेमा हॉल मालिक दोनों दोषी माने जाएंगे। वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर एक्शन लेने की अपील करते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेंगे। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।